मैं आपको बताता हूँ अमजद सर के बारे में। वर्ल्ड चैंपियन, 3 times वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, 2 times एशिया कप जीता, इंडिया की मार्शल आर्ट हिस्ट्री में सुनहरी स्याही से लिखा जाने वाला नाम सैयद अमजद हुसैन हाशमी। इनसे मैंने सीखा कि कैसे अपने उसूलों पर ठहरना चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहना चाहिए। 1996 में मोथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड में हो रही थी। सारी दुनिया से जाने माने मोथाई फाइटर्स आए हुए थे और अमजद सर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मोथाई थाईलैंड का ही स्पोर्ट है और फिलवक्त 2.5 लाख रिकॉग्नाइज मोथाई फाइटर्स थाईलैंड में है। वहां पर हर कोई डेडली मोथाई फाइटर ही रहता है। उन्हीं की जगह पर, उन्हीं के स्पोर्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप और अमजद सर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पाकिस्तान हार गया, चाइना चले गया, यूएसए हार गया और अमजद सर 1996 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उस वक्त का थाईलैंड का बादशाह चीफ गेस्ट बनकर आया था और सब विनर्स को उसी के हाथ से प्राइजेस दिए जा रहे थे। बादशाह के सामने किसी को भी सीधे चलने की इजाजत नहीं थी। झुककर घुटनों के बल बादशाह के सामने जाना है, जाकर उसके सामने सर झुकाना है और फिर वो फेलिसिटेट करेगा। अमजद सर ने यह देखा तो फौरी इनकार कर दिया। अपने कोच से भी कह दिए कि एक मुसलमान होने के नाते वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोच भी परेशान हो गए क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर भी प्राइज लेने से मना कैसे कर सकते हैं। सेकेंड रनर अप को बुलाया गया, वो ऐसे ही झुककर अपने घुटनों के बल गया। फिर फर्स्ट रनर अप को बुलाया गया, वो भी वैसे ही गया। अब आई वर्ल्ड चैंपियन अमजद सर की बारी। जैसे ही नाम पुकारा गया, सर सीधा उठे और स्टेज पर चल लेते हुए जाकर बादशाह के सामने ठहर गए। ये देखकर सारा स्टेडियम खामोश हो गया। सब कहने लगे, ये क्या हो गया? सर ने बादशाह से कहा कि माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मजहब मुझे ये नहीं सिखाता कि सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने झुकूं। बादशाह मुस्कुराया और तब सबके सामने ऐलान किया कि कोई भी अपने मुमालिक में अपने प्रेसिडेंट्स और किंग्स को जैसे इज्जत देते हैं वैसा ही दें, जरूरी नहीं कि यही तरीका अपनाया जाए। और फिर सर को फेलिसिटेट किया गया। ऐसा करके सर ने अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अगर आप अपने उसूल पर ठहरते हो तो दुनिया इज्जत करती है। हमें चाहिए कि इन कामयाब लोगों से हम सीखें और जिंदगी में आगे बढ़ें। सर अभी ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए कि इन जैसे लोगों की रहनुमाई में रहें।